अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट मुतारफ करा दी गई है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। मैंने कहा जी ये आइडिया कहाँ से आया, पाकिस्तानी टीम ने लिया है इस तरह की कलर की, जो थंडर कलर जो पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया है कि जी किट का नाम थंडर रखा है। तो सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल ट्वीट की, नीचे क्रिकेट फैंस आके तरबूज जो है वो उसकी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। और मेरे बड़े सीनियर दोस्त हैं, मैंने उनको कहा कि ये आइडिया कहाँ से लिया पाकिस्तानी टीम ने इस तरह की थंडर किट जो पाकिस्तान ने अब T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाई है। तो उन्होंने, उनका इनिशियल जो रिएक्शन था वो यार तरबूज, हालांकि वो तरबूज लोग क्योंकि ट्वीट कर रहे हैं तो लोगों का ध्यान उधर जा रहा है, ये तरबूज से बिल्कुल भी पाकिस्तान ने आइडिया नहीं लिया है कि पाकिस्तानी टीम की जो किट है वो अब तरबूज की शक्ल की है। ये जो लोग कह रहे हैं, ज़्यादातर जो है ना वो लोग मजाक में कह रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान किट कोई भी पहने, यहाँ पे क्योंकि स्टार लगा हुआ है उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। सो पाकिस्तानी टीम एक अरसे से सोच रही थी कि अपनी नई किट मुतारफ कराई जाए। अच्छा, जो इस किट के अंदर लाइटिंग डाली गई है, येलो रंग की जो लाइटिंग है, ये वो रोशनी की किरण है जो कि इस यंग स्क्वाड के अंदर ये, क्योंकि ये बिल्कुल यंग स्क्वाड है पाकिस्तानी टीम का। इसके अंदर आपको पुराने प्लेयर्स नहीं दिखाई देते हैं, हफीज़ पुराने प्लेयर थे, शुएब मलिक पुराने प्लेयर थे, उनको छुट्टी कराई गई है और अब बिल्कुल नए प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी टीम इस T20 फॉर्मेट के अंदर, ODI फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। अजहर अली ओल्ड प्लेयर हैं लेकिन वो टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, वो बाकी फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना एक नया फॉर्मेट जो है T20 क्रिकेट का, उस नए फॉर्मेट को मजीद चार चांद लगाने के लिए, टीम के अंदर एक जीत की थ्रिल पैदा करने के लिए ये किट मुतारफ कराई है। इसमें वेमेन क्रिकेटर सना फातिमा, इस ऑफिशियल वीडियो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सेकंड का एक वीडियो बना के लगाया है उसके अंदर सना फातिमा वेमेन क्रिकेटर हुई हैं शामिल, फिर नायब कप्तान शादाब खान और कप्तान बाबर आजम के इसमें क्लिप लगे हुए हैं। लेकिन नसीम शाह का जो क्लिप है वो इसलिए लगाया गया है कि नसीम शाह एशिया कप में सुपरस्टार बनकर सामने आए हैं। शाहीन शाह, कल एक बंदे ने बड़ा अच्छा लफ्ज जुमला इस्तेमाल किया शाहीन शाह के लिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का बॉक्स ऑफिस है। कोई भी मूवी जब हिट होती है तो कहा जाता है कि इसने बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी हिट हो गई है। तो शाहीन शाह एक बड़े स्टार हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के, पाकिस्तानी टीम के, लेकिन नसीम शाह ने भी अपनी जगह बनाई है। उसकी इंडिया के खिलाफ इंजरी के बावजूद बॉलिंग करना, मतलब जो उनको क्रैम्प्स पड़े हुए थे उसके बावजूद वो लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसने अपना ओवर पूरा कराया, हार्दिक पांड्या से छक्का उसने खा लिया, टीम मैच हार गई, फिर उसने कम बैक करवाया पाकिस्तानी टीम को। और वो क्रेडिट जाता है नसीम शाह को कि जिस तरीके से उसने अपने आप को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रूव किया कि वो किस तरह का क्रिकेटर है, किस तरह का वॉरियर क्रिकेटर है। तो नसीम शाह को इसलिए मौका मिला। अगर शाहीन होते तो डेफिनेटली शाहीन होते। अब क्योंकि शाहीन इस होम सीरीज के अंदर नहीं है, T20 वर्ल्ड कप भी शाहीन का टीम के अंदर तो आ चुके हैं, उनकी फिटनेस की अपडेट्स भी आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जो है वो देख भी रहा है, PCB ने एक बंदा भी भिजवाने का फैसला किया है जो कि जाके शाहीन शाह अफरीदी को हेल्प आउट करेगा नेट्स के अंदर, क्योंकि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, आपका रिहैब का जो ट्रीटमेंट है वो तो आपके प्रोफेशनल्स ने करना है, लेकिन आपके लिए वहाँ इंग्लैंड के अंदर नेट्स भी अरेंज होना है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई लोकल क्लब तो वहाँ पर है कोई नहीं। सो पाकिस्तान ने यहाँ से उमर रशीद को, जो कि NCA में होते हैं, उनको भिजवाने का फैसला किया है। वो शाहीन के लिए वहाँ पर नेट्स का इंतजाम करेंगे, जहाँ पर शाहीन लंदन के अंदर अब कुछ दिन बाद अपनी नेट्स के अंदर बॉलिंग करवाने वाले हैं। और T20 फॉर्मेट का जो 3 मुल्क की टूर्नामेंट पाकिस्तान ने, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 9 को शायद पाकिस्तान का पहला मैच है, 16 को उसका न्यूजीलैंड के अंदर फाइनल है, तमाम मैचेस क्राइस्ट चर्च के अंदर खेले जाने हैं, तीसरी टीम बांग्लादेश की है उसके अंदर। उस T20 3 मुल्क की टूर्नामेंट के अंदर चांसेस हैं कि नसीम आ जाए, लेकिन आकिब ने कल बड़ा अजीब मशवरा दिया है कि वो चाहते हैं कि शाहीन ये वर्ल्ड कप स्किप कर दे। आकिब का वीडियो पैगाम जो है वो स्टेटमेंट आप BBN के ऊपर आप देख सकते हैं। सो ये मशवरा दिया गया है नसीम को, सॉरी शाहीन को, कि वो T20 वर्ल्ड कप को स्किप कर दें। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी एक सुपरस्टार बन चुके हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। उनको ऑफिशियल किट लॉन्चिंग की जो वीडियो है उसके अंदर नसीम शाह को शामिल किया गया है शादाब और बाबर के साथ, और सना फातिमा वेमेन क्रिकेटर हैं। कल पाकिस्तानी टीम अपनी कंपेन का आगाज करने जा रही है। जो लोग सुबह वीडियो को देख रहे हैं वो इसको आज समझिए कि T20 सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड की 7 मैचेस की सीरीज हो रही है। क्या ये जो किट का कलर चेंज किया है, ये टीम जो कि नॉकआउट स्टेज पे जाके फंस जाती है, रिलैक्स हो जाती है, मैं तो ये लफ्ज यूज करूंगा, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी रिलैक्स हो गए थे 100 पे 5 आउट करके ऑस्ट्रेलिया के, यहां पर 55 या 60 के ऊपर 5 विकेटें पाकिस्तान ने श्रीलंका गिरा दी थी और हम लोग रिलैक्स कर गए, कैच छोड़ दिए, चौके करा दिए,
ढीली बॉलिंग की, नवाज को एक ओवर दिया, इफ्तिखार को विकेट मिल गई तो इफ्तिखार से बाकी ओवर करा दिए, बॉलिंग में सही तौर पे हिसाब किताब नहीं लग सका। फिर जब बैटिंग आई तो बैटिंग में बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, आसिफ अली जल्दी आउट हो गए, खुशदिल शाह जल्दी आउट हो गए, और कौन जल्दी आउट हुआ, रिजवान एक एंड पे अड़े रहे, इफ्तिखार एक एंड पे अड़े रहे, फखर जल्दी आउट हो गए। सो नुकसान तो हुआ है पाकिस्तान का इस एशिया कप में, जो कि पाकिस्तान को ये टाइटल जीतना चाहिए था। बहरहाल एक नई यूनिफॉर्म के साथ, एक नई जर्सी के साथ, एक नई किट के साथ पाकिस्तानी टीम अपने आप को एक नए इरा में दाखिल करने के लिए लॉन्चिंग कर चुकी है। देखते हैं कि जो नई किट है ये कितनी कारामद साबित होती है, वो जो हम फंस जाते हैं सेमीफाइनल या फाइनल में, हम चैंपियन टीम कब बनेंगे, ये अब नई जर्सी पहनकर पाकिस्तानी टीम अपनी परफॉर्मेंस से हमें शो करेगी। बीबीएन के साथ रहिए, थैंक यू सो मच।